गंगाधर एज्युकेशन सोसायटीचे केया बंठिया माध्यमिक विद्यालय व एनएन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार छात्रों, मी विष्णुखंड देशमुख, केया बंठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। तो देखो छात्रों, आज हम इयत्ता आठवीं कक्षा में विषय हिंदी के पाठ नंबर 8 पूर्ण विश्राम ये पाठ की जानकारी ले लेंगे। इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। यह सत्यकाम विद्यालंकार ने हमको क्या बताया इसके बारे में आज हम जानकारी ले लेंगे। देखो लेखक का परिचय है, लेखक है, उन्होंने सिर्फ पाठ ही नहीं लिखे तो उन्होंने कविता भी लिखा है। वे लेखक थे, कवि थे और उनकी वो कविता और पाठ बहुत ऐसा सरल सीधे थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है वो सब ऐसा इंटरेस्टिंग विनोद के बारे में उन्होंने सब लिख के रखा है। तो देखो छात्रों, आज हम इस पाठ की जानकारी लेने समय पाठ के ये कहानी में उन्होंने क्या क्या बताया है, तो हर एक आदमी को इस थका-थकी जीवन में टाइम नहीं मिलता, इसलिए जो कुछ टाइम मिलता है, जो कुछ वक्त मिलता है, उस वक्त निभाने के लिए उनको बहुत मजा आती है। तो वैसा ही इस पाठ में लेखक सत्यकामा विद्यालंकार ने बताया है कि यह पाठ में जो एक आदमी है वह दफ्तर में जाता है, दफ्तर में जाकर अपना काम अच्छी तरह से निभाता है, लेकिन एक बार वह बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने से वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको सलाह देता है कि अब आपको पूर्ण विश्राम की जरूरत है और वो पूर्ण विश्राम करने के लिए है कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, क्या क्या अपने साथ लेके जाता है। उनकी जो औरत थी, पत्नी थी, वो भी उनके साथ जाती है, उसको बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत दिनों से उनका वो मौका आता है, इसलिए वो दोनों जू पे जाते हैं और जाते समय अपने साथ क्या क्या लेते हैं इसकी जानकारी लेकर सत्यकाम विद्यालंकार ने इस पाठ में बड़े मजे से आपको दे दी है। तो छात्रों देखेंगे हम ये पाठ की जानकारी। डॉक्टर ने वहां पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। वो पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो एक बार वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बराबर उनको कॉट पर लपेट दिया, टेबल पर लपेट दिया और उनको सब चेक किया और उनको कहा यह ज्यादा वो बीमारी नहीं है वो, लेकिन आपको दफ्तर की छुट्टी लेना चाहिए, दो दिन पूर्ण विश्राम होना चाहिए। ये बात सुनते ही उनको पत्नी को बहुत क्या हो गया, खुशी हो गई, वो प्रसन्न हो गई। क्यों हो गई देखो, घर जाकर श्रीमती जी ने कहा, ऐसे कहा, जुए की तैयारी कर लो, हम दो दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो देखो पत्नी को ऐसा लगा कि देखो आज हमको कितने दिनों से घूमने का मौका मिला है, इसलिए बहुत क्या हो गई, खुशी हो गई, उसको बहुत आनंद हो गई और उन्होंने उनको कहा चलो देखो हम जू की तैयारी करेंगे, जू पर जाएंगे और वहां पे दो दिन अच्छी तरह से विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चांदनी रात का मजा जू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, 2 बजे का अलार्म बेल लग गया, स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। तो देखो छात्रों, यह औरत थी, वो औरत ने रात को एक 2 बजे का गजर लग दिया, अलार्म लगाया और
वो लगाया था, लेकिन भी उसे ही पहले वह जाग उठी और उन्होंने अपने एक सूची कल क्या क्या लेने का है, क्या क्या अपने साथ रखने का है, इसकी उन्होंने करने के लिए वह जग ली। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर से हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब, वॉल, रबर सॉल्यूशन, एक गैलन इंजन, ऑयल आदि आदि चीजों और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुने से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक चार में से दो खिड़कियां की चटखड़िया भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुनी हो गई थी। तो देखो छात्रों, यह श्रीमती जी ने क्या क्या किया। वो गई बाहर गई और उन्होंने एक मिस्त्री लेके आया अपने जो खिड़कियां थी घर की उनको अच्छी तरह से करने के लिए। वो लेके आई, उन्होंने शाम हो गई तो तभी भी उनको खिड़कियां अच्छी तरह से नहीं हो गई थी, लेकिन कई वक्त बाद वो अच्छी हो गई। और सब क्या क्या लेने का है, गाड़ी का सामान क्या लेने का है, रबर ट्यूब, सॉल्यूशन, गैस इंजन का बॉटल, ये सब उन्होंने रख लिया। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। उन्होंने आपके हस्बैंड को क्या कहा कि देखो पिता पति जी, आपकी थकावट पूरी निकल जाएगी, लेकिन कब, जब तक हम जुहू पर नहीं जाते और दो दिन के विश्राम नहीं करते तो हमारी थकावट, आपकी थकावट नहीं हो जाएगी, लेकिन दो दिन पूरा विश्राम करने के बाद थकावट जरूर दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कमर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया, तो इसलिए देखो छात्रों, उन्होंने जो अलार्म लगाया था वो अलार्म लगने से वो पहले उठ गई, क्योंकि कल जाने का था जू पर घूमने को फिरने के लिए, तो इसलिए वो बहुत खुशी में थी, आनंद में थी और उन्होंने सब वो लिया कि नहीं, इसलिए उन्होंने अलार्म लगाया था। तो अलार्म बज गया, सुबह के 5 बज गए। रोशनी होते न होते जू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, धोंकड़ी करने, धोंकड़ी का मतलब हवा भरने, उस पर स्टोव पर हवा भरने का वह बहुत उनका देर हो गया। वो स्टोव बुझता था, वो अच्छी तरह से लगता नहीं था। उन्होंने उसमें तेल भरा, धोंकड़ी करने में चल गई। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त को तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त का मतलब एक मंदिर से, एक ओर से, एक लगन से वो क्या हो गए, अपनी सब तैयारी करने लगे। चाय का तो प्रोग्राम उनका खत्म हो गया, क्योंकि उस दिन उस टाइम पर उनके स्टोव ने धोखा दिया था। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। देखो छात्रों, लेखक ने अच्छी तरह से बताया, इस लेखक सत्यकामा विद्यालंकर ने, कि वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की थी। इतनी जल्द तैयारी, अच्छी तैयारी उन्होंने की थी, वो दोनों पति पत्नी ने जू पर जाने के लिए। ऐसी महत्व योजना के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग भावना का मतलब क्या छात्रों, कि एक दूसरे को मदद करना। वो कह देती, मैं वो काम को पूरी निगाह रखता था, मैं कहता था, तो वह सब का सामान मैं करने से वो जो लेती थी, इसलिए उसको बोलते हैं सहयोग, एक दूसरे को मदद करने। सहयोग
मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना मतलब का हेल्प करना, मदद करना। मैंने याद दिलाया पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार भी लेना। श्रीमती जी बोली अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना भूल जाओ। तो इसलिए छात्रों अभी मैं सब पठन करता हूँ, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या कहा है उनकी जानकारी सिर्फ इस कार्यक्रम में दे दी है, तो मैं एक साथ उनका पठन करता हूँ। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैंने बोला वह तो मैं रख लूंगी लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे, जो पर बड़ी सर्द हवा चलती है, जो ऊपर बड़ी सर्द हवा चलते है, इसलिए मैंने जो कश्मीर से गुलबंद लाया है वो भी आप जरूर ले लेना। गुलबंद तो रख लूंगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। धरा का मतलब अधूरा, नहाना अधूरा हो जाएगा, इसलिए सब कपड़ा है हमारा वो आप रख लो। और तुम कहीं रबर का भूल गई तो गजब हो जाएगा। वो तो रख लूंगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। तो देखो क्या क्या उन्होंने छात्रों तैयार किए हैं। राइटिंग पैड का क्या करोगे, कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जो पर खाली बैठ जवाब भी दे दूंगी, ये तो वक्त भी नहीं मिलता। यो का मतलब यहाँ वक्त नहीं मिलता, इसलिए माँ की जो चिट्ठी आई है वो माँ का चिट्ठी का भी मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, इसलिए वहां जाकर शांत बैठेंगे और माँ का चिट्ठी का जवाब लिखेंगे। देखो छात्र आगे, और जरा वे चिट्ठियों भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियों ही रह गई तो जवाब कैसे देंगे। और सुनो बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द बढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या लेने का है, धूप के बचने के लिए छाता लेना चाहिए, चश्मा लेना चाहिए, उनकी भी सब उन्होंने जानकारी यहाँ पर दे दी है। अच्छा बाबा रख लूंगी, आओ देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। तो धूप में बचने के लिए उनका चेहरा ब्लैक पड़ता है, काला पड़ता है, इसलिए हम उसकी क्रीम है वो क्रीम भी रख लेना। शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैसे ब्रश और सब तो मिल गया था लेकिन नेल कटर नहीं मिला था, इसलिए बहुत घबराई गई थी। तो देखो वो क्या बोलती थी उनको कैंची ब्रश और सब कुछ मिल गया था लेकिन नील कटर नहीं मिला, इसलिए वो बहुत घबराई गई थी। मैंने कहा जाने दो, नील कटर बाकी सब चीजें तो रख लो। तो देखो छात्रों उन्होंने क्या किया, सब सामान के बराबर एक साथ रख दिए लेकिन उनको नील कटर नहीं मिला था। नील कटर नहीं मिला था इसलिए वो उधर इधर उधर देखती थी लेकिन उनको मिला नहीं। तो वो श्रीमान जी ने उनको बताया, उनके पति ने उनको बताया कि अरे वो जाने दो, सब आया है ना, उसको रख दो, नेल कटर रहने दो। तो देखो छात्रों आगे देखेंगे, इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर तीन किताबें थैले में झांक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। धुन सवार होना का मतलब नशा चढ़ना, उनके मन में आना कि देखो कई दिनों से उसने ये खाली लेखक ही नहीं थे तो क्या थे, कवि भी थे, इसलिए उन्होंने कवि उनके मन में आया कि देखो जू पर जाकर हम
कई अच्छी तरह से कविता भी करेंगे, इसलिए उन्होंने सब किताबें वे अंदर डाली थी। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरों ने इधर उधर बिखर पड़ती, इधर उधर बिखर पड़ना का इधर उधर पड़ी थी उसको, और उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी, तो उन्होंने कहा, सोचा कि देखो, मन में सोचा कि जू की अच्छी जगह है, वो जगह कविता करने के लिए अच्छी है। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जू पहुंचे। तो देखो छात्रों, ऐसे करते करते सब पूरा सामान लेकर, थैले लेकर, बैग लेकर, है ना, वो सब लेकर वो आखिर कहाँ पहुंचे, जुहू पर पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। क्यों विचरते रहे? क्योंकि उनको ऐसा लगता भी नहीं था कि हम आज जुहू पर आए हैं, इसलिए उनके मन में अच्छे तरह से ऐसा स्वप्न लोग क्या मतलब उनका आश्चर्यचकित हो गया कि हम सचमुच जू पर आए या नहीं आए। हम समुद्र के नहाने को चल पड़े और वहां ऐसा करते करते उन्होंने दोनों ने क्या किया, सब सामान रखा और जू के पानी में समुद्र में मिल गए। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढंक लिया। ऊंची लहर ने आकर का मतलब क्या, पानी के लाट आ गए और लाट ने उनको छपक लिया और उनको गिरा दिया। आ गई और उन्होंने मुझे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? तो उनके देखो छात्र, उनके मन में ऐसा कुछ आया श्रीमती जी के, कि वो अपने पति को कहने लगे कि देखो वो बरामदे की जो खिड़की है वो खिड़की को अपने ही बंद कर दिया था ना, क्यों नहीं? तो आगे देखो, मैं कहां उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, देखो मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं पड़ता, मैंने बंद किया है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चेहरे का रंग पीला पड़ना का मतलब वो बहुत घबरा गई कि देखो अब वह खिड़की बंद नहीं रह गई तो वहां अजब हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। इसके मन में कुछ न कुछ ऐसा विचार आने लगे। मैंने कहा, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को जो होना होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखें में आंसू का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। वो बहुत घबरा गई कि वो खिड़की जो अच्छी तरह से बंद नहीं किया तो बहुत गजब हो जाएगा। वो पीली पड़ गई, उनकी ओर थरथरने लगे और आगे देखो छात्रों क्या हो गया। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा, यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जो ऊपर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। देखो छात्रों, अच्छी तरह उन्होंने बताया कि घर के कैसे एक एक काम होता है, हर एक काम होता है, वो काम में कितने जुड़ा हो जाते हैं पति पत्नी। तो उनका फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेखक ने दिया है कि नहीं वो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हर एक सवाल उनके मन में आया। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए जू पर आ गया, लेकिन उनका गुनाह 10 गुना दगदग बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई, मोटर का इंजन धक-धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे रफ्तार से वापस आए। तो देखो, उनका पूरा सामान लेके वो जू पर गए थे, लेकिन उस रफ्तार से, उस मार्ग से वो फिर वापस आ गए। एक छोटे से मामूली कारण से उनकी सब ट्रिप ऐसे हो गई, खराब हो गई और वे फिर वापस आ गए। अंदर जाकर देखा कि खिड़की की चटकानी बंदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि
लगाई या नहीं, और उसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। इसलिए हर एक काम छात्रों अच्छी तरह से करना चाहिए, उस काम में कौन से भी ऐसी छोटी भी भूल नहीं करना चाहिए। एक भूल होती है लेकिन सब हम जो नियोजन करते हैं वो सब नियोजन कर सब ऐसा क्या होता है बर्बाद करते हैं। इसलिए छात्रों आप भी अच्छी तरह से पाठ पढ़ो और पढ़ने के बाद उनका एक एक सवाल का जवाब अच्छी तरह से देने को मत भूल जाइए, क्योंकि एक भूल क्या करती है क्या होती है इस पाठ के माध्यम से हमने देखा है। तो छात्रों धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चैनल रायगड ओवी न्यूज चैनल सदैव आपल्या सोबत, रायगड ओवी न्यूज चैनल नेहमी पाहत रहा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।